हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर विक्रम मस्कर हूँ, एक घुटने और कंधे का विशेषज्ञ, और आपका स्वागत है एक और वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं घुटने के स्नायुबंधु या लिगामेंट्स के बारे में। नाउ लिगामेंट, जैसे आप जानते हैं, दो हड्डियों को जोड़ता है, एक जोड़ को संतुलित रखता है। नाउ घुटने में हमारे पास चार लिगामेंट है। पहला लिगामेंट आगे की तरफ, इसको हम ACL बोलते हैं। दूसरा पीछे की तरफ, जिसको हम PCL बोलते हैं। तीसरा अंदर के तरफ, जिसको हम MCL बोलते हैं। और एक बाहर की तरफ, जिसे हम LCL बोलते हैं। आगे और पीछे वाले लिगामेंट्स को हम क्रूशिएट लिगामेंट्स बोलते हैं, और अंदर और बाहर वाले लिगामेंट्स को हम कोलैटरल लिगामेंट्स बोलते हैं। नाउ लिगामेंट्स बहुत ही मजबूत होते हैं, आमतौर पे ये बनी है लोड प्रेशर झेलने के लिए, पर जब चोट लग जाए आपको पता नहीं है कितना जोर पड़ता है इसके ऊपर, तो ये टूट भी सकती है। क्योंकि जो भी चीज, कोई भी चीज को संतुलित रखता है उस पर ज्यादा फोर्स पड़ता है और ये टूट सकते हैं। तो पहले चीज, ये एक कपड़े सुखाने वाले रस्सी की तरह है। तो कपड़े सुखाने वाला रस्सी जो है, ये वॉल पे या दीवार पे गड़ी होती है और बीच में भी होती है। नौ ये रस्सी दीवार से टूट सकती है या बीच में से टूट सकती है, पूरी टूट सकती है या आधी टूट सकती है। जब पूरी टूटती है हम बोलते रस्सी टूट गया, मतलब लिगामेंट टेयर। जब आधी टूटती है हम बोलते लिगामेंट स्प्रेन या पार्शियल टेयर। जब ये दीवार से निकलती है, मतलब हड्डी से निकलती है जहां पे ये लिगामेंट गड़ी हुई है, तो हम बोलते अवल्शन। अवल्शन भी दो तरीके के होते हैं, सॉफ्ट टिश्यू, मतलब बस रस्सी निकल गई। पर कभी कभी आपने देखा होगा जो कपड़े सुखाने वाली रस्सी टूटती है दीवार से, तो थोड़ा दीवार भी ले लेती है। मतलब जो रस्सी हड्डी से भी टूटती है, तो कभी कभी वो थोड़ा हड्डी भी ले लेता है अपने से, अपने अपने साथ। उसको हम बोलते हैं बोनी अवल्शन। जब स्प्रेन होता है, हो सकता है आप बस थोड़ा एक्सरसाइज इत्यादि से ठीक कर सकते हो। जब टेयर हो जाए, और वो लिगामेंट का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, तो हम कभी कभी नया लिगामेंट बनाते हैं। मैं तो पुराने लिगामेंट को बरकरार रखते हुए बनाता हूँ, क्योंकि उसमें खून की नलियाँ हैं, उसमें नसें हैं, जिसके द्वारा आपके लिगामेंट्स आपके मस्तिष्क या आपके ब्रेन से बात करते हैं। अगर अवल्शन हो तो हम उसे वापस जोड़ते हैं वहाँ पे, क्योंकि लिगामेंट तो ठीक है ना, वो बस दीवार से निकली है, बोन से निकली है, तो वापस गाड़ दोगे तो ठीक है। तो ये होते हैं इनके ट्रीटमेंट। तो पहले आते हैं ACL के बारे में, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। इसका काम है घुटने को या नीचे वाली हड्डी, पैर की हड्डी को जरूरत से ज्यादा आगे जाने से रोकना, उसके साथ साथ घुटने को घूमने से रोकना, ट्विस्ट होने से रोकना, रोटेट होने से रोकना। नाउ ये रस्सी बहुत ही जरूरी है उन लोगों में जिनमें दिशा बदलना होता है, जैसे एकदम से टर्न होना हो, जैसे फुटबॉल प्लेयर्स हो, जो एथलीट्स हो, इन लोगों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस। तो ये भी बीच में टूट सकती है, ऊपर वाली हड्डी या नीचे वाली हड्डी से टूट सकती है। जब ये टूटता है दर्द होता है, सूजन होता है, आप वजन नहीं लगा पाओगे उस पैर पे थोड़ी देर के लिए, और अगर आपको स्पोर्ट्स इत्यादि खेल रहे हो तो आपका गेम खत्म। डायग्नोसिस कैसे होगा? ये आसार होंगे आपको, अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे वो कुछ टेस्ट करेंगे। क्या टेस्ट करते हैं इसमें? नीचे वाली हड्डी को जरूरत से ज्यादा आगे खींचते हैं। अगर ये जरूरत से ज्यादा आगे जाए तो ये लिगामेंट असंतुलित है, टूट गई है, या ये ट्विस्ट होने लग जाए। एक टेस्ट होती है जिसमें हम ट्विस्टिंग जो है हम देखते हैं, पिविट शिफ्ट। अगर ये जरूरत से ज्यादा है तो वो टूट गई। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इसके ऊपर है कि आप जो है, आपकी लाइफस्टाइल क्या है।
अगर आप बिल्कुल घरेलू वाली हाउसवाइफ हैं या बहुत ही मतलब शॉपकीपर टाइप हो जो कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता, हो सकता है ऑपरेशन के बिना आपका काम हो जाए। अगर आप अपने मांसपेशियों को मजबूत करो तो काफी हद तक वो इस लिगामेंट के साथ जुड़ सकती है। अगर आपको लगे कि आपका घुटना जो है वो असंतुलित है, आपको लगे कि ये ट्विस्ट हो रहा है नॉर्मल एक्टिविटीज से, स्पोर्ट्स से, तो फिर ऑपरेशन ही एक जरिया है इसको संतुलित बनाने का। अगर आप ऑटोमेटिकली एक स्पोर्ट्समैन हो या बहुत ही हार्ड वर्किंग आदमी हो, फिजिकली एक्टिव इंडिविजुअल, तो बेटर होगा कि इसको हम ऑपरेशन के द्वारा ठीक करें। ठीक मतलब अगर ये हड्डी से निकला है या अवल्शन हुआ है तो वापस जोड़ देते हैं, और ये सब दूरबीन के द्वारा होता है। अगर ये बीच में टूटा हुआ है तो हमें कभी कभी बनाना पड़ता है नया लिगामेंट। कैसे बनाते हैं? आप ही के बदन में एक्स्ट्रा बटन है, बटन नहीं, भगवान ने ऐसे चीजें दी हैं जो आप बटन एक्स्ट्रा बटन के तौर पे यूज कर सकते हैं लिगामेंट के सब्स्टिट्यूट में। तो हम वो चीजें, एक होता है हैमस्ट्रिंग टेंडन, पेटला टेंडन, वो लेके नया लिगामेंट बना के दूरबीन के द्वारा उसको अंदर जो है फिक्स कर देते हैं। मैं पुराने लिगामेंट को नहीं निकालता क्योंकि उसमें खून की नलियां हैं, उसमें नसें हैं जिसके द्वारा आपका घुटना जो है आपके ब्रेन से बात करता है। इसको हम प्रोप्रियोसेप्शन या पोजिशन सेंस बोलते हैं। फिर आते हैं पीसीएल, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट के बारे में। ये क्या है? ये एक लिगामेंट है जो पीछे की तरफ होती है। ये लिगामेंट एसीएल से ज्यादा मजबूत है, मोटी होती है। इसका काम होता है नीचे वाली हड्डी को पीछे जाने से रोकना। ये क्यों ज्यादा मजबूत है? क्योंकि हमारे धरती पे वास्तविक तौर पे ग्रेविटी होती है। ग्रेविटी क्या होती है? जब आप कोई बॉल को ऊपर फेंकते हो तो वो नीचे आ जाती है ना, क्योंकि धरती माँ जो है उस बॉल को खींचती है अपने द्वारा। तो कॉन्स्टेंटली ग्रेविटी एक्ट कर रहा है ये हड्डी के ऊपर, पीछे की तरफ पुश कर रहा है। तो वास्तविक तौर पे पीछे वाली लिगामेंट ज्यादा मजबूत होनी चाहिए, कि जो चीज कॉन्स्टेंटली हो रही है उसको रोकने के लिए एक ज्यादा मजबूत चीज चाहिए। घुटना ऑटोमेटिकली आगे तो नहीं जा रहा है, अलग चोट लगे तो ACL अगर थोड़ा कम मजबूत हो तब भी चल जाता है काम, पर PCL को मजबूत होना इंपॉर्टेंट। ये कैसे टूटता है? ये टूटता है नॉर्मली, आप गाड़ी चला रहे हो, आप ऐसे बैठे हुए घुटने को मोड़ के एकदम से ब्रेक लगा, ये आगे वाली नीचे वाली हड्डी जो है इसकी आगे वाली पोर्शन जो है बम्पर को टकरा गया। जैसे टकरा गया, न्यूटन होता था एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जैसे ये लगा तो ये हड्डी नीचे वाली हड्डी पीछे चली गई, जब ये जरूरत से ज्यादा पीछे चली गई तो ये पीछे वाली रस्सी पे ज्यादा जोर पड़ता है, देखिए स्ट्रेच होता है और ये टूट सकता है। ये ऊपर से गिरने से भी हो सकता है, हाइट से गिरने से घुटने के ऊपर जब ये होता है तो ये रस्सी टूट जाती है, पर इस रस्सी में जुड़ने की काफी क्षमता होती है। तो अगर ये पूरी तरीके से नहीं टूटा है तो कभी कभी ब्रेस लगाने से, पोस्टीरियर सपोर्ट लगाने से, एक सपोर्ट क्या होता है, एक पिलो टाइप होता है जो नीचे वाली हड्डी को आगे की तरफ पुश करता है ताकि इस पे लोड कम आए, कभी कभी अपने आप ठीक हो सकता है। जब ये ठीक ना हो तो क्या होता है कि घुटना जरूरत से ज्यादा पीछे वाली पोजीशन में फिक्स हो जाती है। जब ये जरूरत से ज्यादा पीछे वाली पोजीशन में फिक्स हो जाती है तो कटोरे के ऊपर बहुत जोर पड़ता है, क्योंकि जब ये पीछे चली जाती है तो कटोरा और जांघ की हड्डी वाली जोड़ में प्रेशर बढ़ता है, जिसके वजह से सबसे कॉमन जो आसार होते हैं, सिम्टम होते हैं, साइंस होते हैं, वो होता है कि आदमी जो है ये सीढ़ियां ऊपर क्लाइम आसानी से नहीं कर पाता और नीचे आने में प्रॉब्लम होती है। तब जब ये फीलिंग हो या ये डायग्नोसिस हो तो कभी कभी PCL को हम ऑपरेशन के बिना ट्रीट कर सकते हैं। पर अगर एक्टिविटी ज्यादा हो उस आदमी की, या उसको ये आसार हो असंतुलितता की, या ऊपर नीचे जाने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसको नया बनाना इंपॉर्टेंट है। अगर ये हड्डी से निकला हुआ है तो कभी कभी हम वापस जोड़ते हैं, पर अगर ये बीच में टूटा हुआ है तो उसको रखते हुए हम आप ही के बदन से स्पेयर पार्ट निकाल के नया लिगामेंट बना के दूरबीन के द्वारा इसको बनाते हैं। ये लगाने में
थोड़ा और टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए, जो मैं इसका विशेषज्ञ हूँ। क्यों? क्योंकि ये पीछे की तरफ है और पीछे की तरफ खून की नलियाँ जाती हैं, तो इनमें सावधानी बरतना बहुत इंपॉर्टेंट है इस ऑपरेशन के द्वारा, और मेरे जैसे विशेषज्ञ के द्वारा ही होना चाहिए, जो बहुत सारे ये केसेस करते हैं, क्योंकि आप नली को बचा के करते हो। उसे सारा काम ज्यादातर होता है घुटने के पीछे की तरफ दूरबीन के द्वारा। नाउ इसको हम डायग्नोस कैसे करते हैं? एक होता है फीलिंग, जब चोट लगती है, सूजन होती है, दर्द होता है, वजन नहीं लगा पाते थोड़े दिन के लिए, और जो सर्जन है आपका, विशेषज्ञ है, ये नीचे वाली हड्डी को पीछे की तरफ ज्यादा खिसकने की कोशिश करता है। जब ये जरूरत से ज्यादा पीछे जाता है तो इसका इंडिकेशन है कि ये PCL टूटा हुआ है। ऑल्सो चेक करेगा, देखो आपके नीचे वाली हड्डी में एक बोन होती है आगे की तरफ, आप ज्यादा महसूस करते हो उसे। जिन लोगों में टूटा हुआ है, क्योंकि नीचे वाली हड्डी पीछे जाती है तो ये कम महसूस होता है। ये हुआ PCL के बारे में। अब बात करते हैं कोलैटरल लिगामेंट्स के बारे में, जो अंदर और बाहर वाली लिगामेंट्स। अंदर वाली लिगामेंट सबसे मजबूत होती है, सबसे मोटी लिगामेंट घुटने में वही है। ये जांघ की हड्डी और पैर की हड्डी के बीच में होती है, घुटने के अंदर की तरफ। इसका काम होता है नीचे वाली हड्डी को जरूरत से ज्यादा बाहर जाने से रोकना। एक बहुत अच्छी चीज है इस लिगामेंट में, इसमें खून की नलियां भरपूर हैं, तो इसमें अपने आप जुड़ने की क्षमता है काफी हद तक। और ज्यादातर हम लोग इंडियन मूल के लोग के घुटने ऐसे होते हैं, बो लेग्ड होते हैं, तो ऑटोमेटिकली इस रस्सी पे कम जोर पड़ता है। क्योंकि कम जोर पड़ता है तो जो आपने हमारी अलाइनमेंट है घुटने की, इसके वजह से ये ऑटोमेटिकली ये इसको जोड़ने की कोशिश करता है। खून की नलियां भरपूर है तो इसमें जुड़ने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। हाउएवर अगर ये जरूरत से ज्यादा लचीला है, टूटा हुआ है, तो हम इसे आइदर वापस जोड़ते हैं या नया बनाते हैं। जब आप इमीडिएटली जाते हो चोट के बाद, एक दो हफ्ते, तीन हफ्ते बाद, तो जुड़ने की क्षमता होती है इसमें। अगर ये ऊपर वाली हड्डी से निकला हुआ है तो जुड़ने की क्षमता अच्छी होती है अपने आप की, बीच में टूटा है अच्छी होती है, पर ये नीचे की तरफ अगर टूटा है तो जुड़ने की क्षमता कम होती है। अगर बहुत दिन बाद आपने ऑपरेशन करवाया तो कभी कभी नया वाला लिगामेंट भी बनाना अनिवार्य होता है, और वो भी हम आप ही के बदन से लेते हैं, नया लिगामेंट बनाते हैं और उसको अंदर फिक्स कर देते हैं। आपका सर्जन इसकी डायग्नोसिस कैसे करता है? वो नीचे वाली हड्डी को जरूरत से ज्यादा इस डायरेक्शन में लेता है, अगर ये खुलता है तो ये टूटा हुआ है। अब आते हैं बाहर वाले लिगामेंट के बारे में। ये याद रखिएगा, एक ही लिगामेंट से नहीं बना, ये कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स मतलब मल्टीपल लिगामेंट से बना। इनमें ज्यादा लोड पड़ता है जिन लोगों के घुटने ऐसे हैं, अर्जुन की बाण की तरह इंडियन लोगों में, क्योंकि हमारे घुटने के बीच में गैप होती है। जैसे MCL में ज्यादा लोड पड़ता है उन लोगों में जिनमें नॉक नीज है या घुटने टकराते हैं, ये ऑपोजिट है, जिनके घुटने के बीच में गैप है उनमें ज्यादा जोर पड़ता है, क्योंकि लिगामेंट पे ऑटोमेटिकली ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है। जब ये टूटती हैं तो इनको रिकग्नाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ज्यादातर अपने आप नहीं टूटती, ये एक और लिगामेंट के साथ टूटते हैं, पीछे वाली लिगामेंट PCL या आगे वाली लिगामेंट ACL के साथ। तो कभी कभी ACL की डायग्नोसिस हो जाती है, इनको भूल जाते हैं हम। अगर भूल गए, विशेषज्ञ के पास नहीं गए आप, तो हो सकता है आपका जो ACL का ऑपरेशन हो वो फेल हो जाए। तो इनको रिकग्नाइज करना इंपॉर्टेंट है, इनको ट्रीट करना इंपॉर्टेंट है। रिकग्नाइज कैसे करता है आपका डॉक्टर? वो चेक करता है कि घुटना जो है ये जरूरत से ज्यादा बाहर की तरफ खुल तो नहीं रहा है, जब आप नीचे वाली हड्डी को अंदर की तरफ ले जाते हैं। फिर वो MRI इत्यादि करता है, जो सारे लिगामेंट्स में कॉमन है, जिससे कंफर्म हो जाता है। जब ये कंफर्म हो जाता है तो ज्यादातर ये लिगामेंट नया बनाया जाता है, क्योंकि रिसर्च ने दिखाया गया है इसमें कि इसको नया बनाना ही बेहतर है,
इसमें हम आप ही के बदन से स्पेयर पार्ट्स निकालते हैं और नया लिगामेंट्स बनाते हैं, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स है। मुझे उम्मीद है इस वीडियो के द्वारा आपको घुटने के लिगामेंट्स के बारे में काफ़ी जानकारी मिली है। अगर आपको मुझे मेरा वीडियो पसंद आया, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू।